हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज ऑफिशियल। कैसे हो मेरे अमेजिंग पीपल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाय, माय नेम इज तुषा। इफ यू आर न्यू हियर, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर क्रेजी चैनल। तो आज मैंने सोचा है मैं अपने हाइलाइटेड हेयर को एक मेकओवर दूंगी। सो अगर आप देख सकते हो मेरे बालों में हल्के हल्के हाइलाइट्स हैं, गोल्डन आप कह सकते हो। इट्स लाइक ऑम्ब्रे हाइलाइट मैंने करवाए थे, कॉपर एंड गोल्डन, जो अब लेंथ में बढ़ भी गए हैं, बट या यू कैन सी सी। तो मैंने पैराडाइज का कलर मंगवाया है, लेट मी शो यू। दिस इज द पैराडाइज कलर, रूबी वाइन शेड है ये। इट्स देयर सेमी परमानेंट क्रेम कलर। ये मेरी सिस्टर ने एक्चुअली मंगवाया था, बट उसके बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, एंड सो शी सेड कि तुम एक बार ट्राई करो। एंड ये 8 से 10 वॉशेज तक टिकता है आपके बालों में, एंड रिटेल्स फॉर 845, बट आई एम श्योर उनकी वेबसाइट पे ऑफर्स आते रहते हैं। 60 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, देन आई विल यू नो रिंस विद कोल्ड वाटर। सो या लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग एंड लेट्स सी कि ये रूबी वाइन कलर कैसा लगता है। सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। ये इनकी ज्वेल टोन सीरीज है, सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा शाइन दे देगा बालों में। लुक्स वेरी डार्क इन द बॉटल, टू बी ऑनेस्ट लुक्स लाइक काइंड ऑफ ब्लैक ओनली, बट आई होप मेरे ऊपर ये धूप में एटलीस्ट दिखाई देगा। एंड मोर ओवर आई वुड से रियली विश के 845 रुपीज में ये हमको ग्लव्स, यू नो, कवर, इस तरह की चीजें दे पाते, ब्रश वगैरह, बिकॉज मतलब ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हाथ लेंगे और अप्लाई करना शुरू कर देंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी ट्राई किया था एंड हर हैंड्स वर टोटली स्टेन्ड, सो आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको बेयर हैंड से ट्राई करो। सो आई हैव अंशिका हियर विथ मी, मेरी भांजी, शी इज गोन हेल्प अस टुडे, हेल्प मी टुडे, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड इज लाइक नॉट इंटरेस्टेड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अप्लाइंग द कलर। सो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक। आई होप आपको मेरे हाइलाइट्स दिख रहे होंगे। सो नाउ लेट्स अप्लाई द कलर एंड सी हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पे मैंने अपने बाल दो सेक्शन में डिवाइड कर लिए। हाय अंशिका, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी टुडे, वेलकम। सो और पीछे के बालों में अभी ये कॉम कर रही है, सो ये मेरे हाइलाइट्स आपको अब और अच्छे से दिखेंगे कि हाँ भैया हाइलाइट्स हैं कलर लगने के लिए। तो आई होप इन पे अच्छे से कलर चढ़ जाए एंड एमरल्ड राइट, हाँ, कलर के बाल निकल के। सो दिस इज हाउ द कलर लुक्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज दिस इज हाउ माई हेयर इज लुकिंग, थोड़ा दिखाना बिट्टू, ऐसा। अभी तो पूरा ब्लैक लग रहा है, बट आई विल वॉश इट ऑफ इन 1 आवर, सो इट्स 2:30, आई विल सी यू ऑल आफ्टर 3:30 एंड लेट्स सी कैसा कलर चढ़ा है। 4:45 हो गए हैं दोस्तों, आई जस्ट वॉश माई हेयर, तो गीले बालों में तो आई एम श्योर कुछ नहीं पता चल रहा, बट इट वाज सो हार्ड टू टेक द कलर आउट। मतलब मैंने लिटरली 8-10, आई डोंट नो मोर देन दैट बार अपने बाल धोए एंड स्टिल द कलर डिडंट स्टॉप एंड मेरी पूरी तौलिया पिंक हो गई एंड इट वाजंट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऐसे तो आई एम श्योर आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, बट लेट मी जस्ट गो टू सनलाइट एंड रिवील माई न्यू हेयर कलर एंड देन आई डू हैव सम पॉइंट्स, तो पूरा वीडियो देख के जाना। सो यू कैन सी कि कलर तो चढ़ गया है मेरे बालों पे एंड धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज कलर तो चढ़ गया है, बट लेट मी गो इनसाइड। गाइज कलर तो चढ़ गया है, अच्छा मेरे ब्लैक बालों में काफी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है, बट आई वुड से आई विल गिव दिस वन 8 out of 10, क्योंकि मुझे ये इतना वाइब्रेंट कोई एमरल्ड कलर नहीं दिखा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। कोई सस्ती डाई से भी ऐसा कलर अचीव हो सकता था आई बिलीव, क्योंकि मेरे बाल तो प्री लाइटेड थे ही, बट या पैराडाइज। अब देखते हैं कितने वॉशेस चलता है, इसमें लिखा था 8 to 10 वॉशेस, मुझे लगता नहीं है। एंड आई होप आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के और भी रिव्यूज देखने हैं या मेरे बाल ऑरेंज पिंक पर्पल करवाने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, आई लव यू ऑल, बाय।